नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। जो भारत में रहता है उसे कानून मानना पड़ेगा, ट्विटर से विवाद के बीच बोले नए आईटी मिनिस्टर। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि नए आईटी मिनिस्टर जैसे ही बने वैसे उन्होंने ट्विटर की वाट लगा दी, और जो लोग कानून में नहीं रहते थे, बार बार कानून को अपने हाथ में लेने की बात करते थे, अब उन लोगों की खैर नहीं। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाऊँ उससे पहले अनुरोध है कि आप नए आईटी मिनिस्टर का अगर स्वागत करना चाहें तो स्वागत ज़रूर कीजिए। जितने भी नए कैबिनेट मंत्री बने हैं और सब दिग्गज हैं, सब कहीं ना कहीं माहिर हैं, और उसके बाद उनके कामों को देखा जाएगा, उसके बाद देखते हैं देश का विकास कितना होगा। बता दूं आपको, ट्विटर पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा था कि ट्विटर बार बार बाज नहीं आ रहा, भारत की नीतियों को वो नहीं मान रहा। इन्हीं सब को देखते हुए जो आईटी मिनिस्टर नए बने हुए हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि सभी को जो भारत में रहते हैं या फिर जिनके एप्लीकेशन भारत में चलते हैं उन सबको नियम और कानून मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दूं आपको, भारत के नए रेल और आईटी मंत्री बने अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो भारत का नागरिक है और जो भी भारत में रहता है उसे यहाँ के कानून मानने पड़ेंगे। बुधवार को ही शपथ लेने वाले और गुरुवार को ही दोनों मंत्रालयों का प्रभार संभालने वाले वैष्णव का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया जब ट्विटर ने नई आईटी नियमों को न मानने को लेकर विवाद छिड़ा है। अब तक आईटी मिनिस्टर रहे रविशंकर प्रसाद की ओर से भी कई बार इस संबंध में सख्ती के साथ बयान दिए गए थे और अदालत ने भी ट्विटर को फटकार लगाई है। हालांकि अब भी ट्विटर का कहना है कि भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए उसे 2 महीने का वक्त लगेगा। हालांकि अभी ट्विटर के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट की सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि उसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए 8 सप्ताह यानी करीब 2 महीने का वक्त लगने वाला है। ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी थी जो आज खत्म हो रही है। इससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि ट्विटर की ओर से नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। ट्विटर का कोर्ट ने 8 जुलाई तक का वक्त दिया था जिसमें उसे बताया गया था कि नए सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी नियमों के अनुपालन में वो स्थानीयता शिकायत निवारण अधिकारी यानी कि आरजीओ की नियुक्ति कब करेगा। अब ट्विटर ने कोर्ट में बताया है कि उसे नया शिकायत अधिकारी नियुक्त करने में 8 हफ्ते का समय लगेगा। ट्विटर ने कोर्ट से ये भी कहा है कि वह भारत में संपर्क के लिए एक दफ्तर खोलने की तैयारी में है जो भविष्य में ट्विटर से संपर्क करने के लिए स्थायी पता भी रहेगा। ट्विटर ने यह भी बताया है कि आईटी नियमों का अनुपाल से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट वो 11 जुलाई तक पेश करेगा। ट्विटर ने कहा कि वह 2021 से लागू नए आईटी नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसे इन नियमों की वैधता की चुनौती देने का अधिकार है। यानी कि ट्विटर से बार बार संग्राम के बाद ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के साथ मंत्रियों की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया है, कई नए मंत्रियों को अहम प्रभार दिए गए, वहीं कई पुराने मंत्रियों को नए मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये जिम्मेदारियां उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। मनसुख मांडविया को प्रमोट कर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया, पर इसके साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपकर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि उन्हें उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को जल्द आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में उन्हें फौरन तैयारियों में जुटना होगा क्योंकि दवाई की जिम्मेदारी भी उनके पास है। वहीं हरदीप पुरी को भी बेहद मुश्किल दौर में पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान है। दिल्ली सहित कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। कीमतों को लेकर विपक्ष हमलावर है, ऐसे में कि उम्मीद पर खतरा जो है खरा उतरना एक चुनौती है। धर्मेंद्र प्रधान की गिनती प्रधानमंत्री के भरोसेमंद मंत्रियों में होती है। उन्हें शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। पिछली सरकार में भी पहले स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, पर बाद में प्रकाश जावड़ेकर को जिम्मेदारी दी गई। मोदी 2 सरकार में रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री बने, पर अब उनकी जगह प्रधान को यह प्रभार सौंपा गया है। ऐसे में प्रधान को खुद को शिक्षा मंत्रियों से अलग साबित करते हुए उम्मीदों पर खरा उतरना होगा।
जी किशन रेड्डी की बात करें तो इनको पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। कोरोना महामारी की वजह से पर्यटन पर बुरा असर पड़ा है, ऐसे में उनके सामने पर्यटन में फिर से नई जान फूंकने की चुनौती है। अश्विनी वैष्णव को दूर संचार और आईटी मंत्रालय दिया गया है। ट्विटर के साथ विवाद चल रहा है, ऐसे में विभाग के मंत्री के तौर पर उनके सामने इस मुश्किल से निपटने की चुनौती है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने तो काम अच्छा कर दिया, नरेंद्र मोदी ने सभी को डिपार्टमेंट दे दिया और उसके बाद सबसे ये अपेक्षा की, ये उम्मीद की कि ये लोग सही से काम करेंगे। लेकिन देखते हैं कि कौन सही से काम करता है, कौन सही से काम नहीं करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी गलत लोगों को कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। वो एक्शन ज़रूर लेंगे और ऐसा एक्शन लेंगे कि शायद इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसीलिए सरकार ने सोचा है कि जितनी जल्दी हो सके इन जैसे लोगों को डिपार्टमेंट दे दिया जाए, उसके बाद सही तरीके से काम हो, क्योंकि कुछ ऐसे काम थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जो सही तरीके से चल नहीं रहे थे। इसीलिए सरकार ने सोचा कि इन लोग को जल्द ही कोई अच्छा मंत्रालय लोगों को मिले और उसके बाद ये लोग अपनी कामयाबी की रास्ता चुने और देश को कामयाब करें। यही सबसे बड़ा उद्देश्य था सरकार का। लेकिन वहीं पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि भले ही मंत्रालय इनको दे दिया गया हो लेकिन पौवा तो मोदी का चलेगा। तो स्वाभाविक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, क्योंकि विपक्ष में नहीं बल्कि जनता जनार्दन ने उन्हें चुना है। और जब जनता जनार्दन ने चुना है तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर इस तरह की बयानबाजी हो तो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है देश के विकास की, तो अगर देश का विकास होता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को कोई टाल नहीं सकता, कोई ढकेल नहीं सकता। लेकिन अगर विकास नहीं हुआ तो ज़रूर सवाल तो खड़े होंगे ही। नए मंत्रियों का आपसे यही अनुरोध है कि नए मंत्रियों का अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो अच्छे हैं तो ज़रूर एक बार उनका स्वागत कीजिए और ये उम्मीद उनसे करिए कि वो जिस डिपार्टमेंट में हैं, जिस मंत्रालय में वो आए हैं, उस मंत्रालय में काम अच्छा हो, देश का भला हो, देश की जनता का भला हो, और महंगाई इतनी बढ़ रही है उस पर भी लगाम लगे, यही लोगों की अपेक्षा है। और शायद केंद्र सरकार इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और जल्द ही शायद सफलता भी मिलने वाली है कि अगर इन जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून है, जिस तरह से नए नए मंत्रियों को जगह दी गई है, अगर वो मंत्री सही से काम करते हैं तो ज़रूर देश का विकास होगा। और यही सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से कई सारे लोग कह रहे थे कि ये मंत्री सही नहीं, वो मंत्री सही नहीं है, वादों प्रतिवादों के बीच ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद कई सारे लोगों को जगह दी गई। कुछ नए लोग आए तो कुछ पुराने लोग आए, तो वहीं पर कुछ लोगों को जाना भी पड़ा। तो स्थिति स्पष्ट है कि जब विस्तार होता है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग को आना जाना तो लगा ही रहता है। लेकिन सरकार की एक ही मंशा है कि आना जाने के साथ साथ विकास भी हो, और इसी रास्ते पे नरेंद्र मोदी चल भी रहे हैं। अब आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं तो सच्चाई जनता के सामने पहुंचती है। और आज इन नए मंत्रियों का किस तरह से कार्यभार सौंप दिया गया है, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली है। अब देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंस होता है कामों में, देश अग्रसर हो, देश का विकास हो, यही उम्मीद है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।